हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम अलग तरीके से सूजी का उपमा। उपमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई को गर्म कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 कप सूजी। सूजी का हल्का कलर चेंज होने तक भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सूजी का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। इसको मिक्स करते हुए हल्का सा और भून लेंगे। देखिए फ्रेंड, सूजी अच्छे से भून गई है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में डालेंगे 1/2 चम्मच घी, थोड़ी सी राई के दाने, थोड़ी सी चना दाल और इसी के साथ इसमें डालेंगे थोड़ी सी मूंगफली और काजू। इसे हल्का सा भून लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे 7 से 8 कढ़ी पत्ता। अब इन सबको सूजी में डालकर मिक्स कर लेंगे। और अब आप इसे किसी भी जार में या डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे आप इसका उपमा बनाकर खा सकते हैं। और अब इसी कढ़ाई में डालेंगे 1 चम्मच घी, थोड़ी सी अदरक और इसी के साथ इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी गाजर और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब इन सबको मिक्स करते हुए हल्का सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स, इन सबको हल्का भून लिया है। अब इसमें डालेंगे 3 कप पानी। और अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और इसी के साथ इसमें डालेंगे थोड़ी सी कढ़ी पत्ता। अब पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे। A few moments later. पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसमें भुनी हुई सूजी को डाल देंगे और इसे मिक्स करेंगे। देखिए फ्रेंड, सूजी का पानी अच्छे से सूख गया है। अब गैस को बंद करके इसे ढक कर 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। A few moments later. 5 मिनट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, उपमा कितनी अच्छी खिली खिली बनी है। आप भी एक बार इसे जरूर ट्राई करें।